भोपाली बोल एक बार फिर लौट आया है। इस बार का टॉपिक है इलेक्शन अवेयरनेस। तो आइए जानते हैं यूथ से कि वो कितने अवेयर हैं इलेक्शंस को लेके। मैं इलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन है कि एमपी में नवंबर की एंडिंग में इलेक्शन होने वाले हैं, दिसंबर की स्टार्टिंग तक रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास फिर से नई गवर्नमेंट होगी। जो हमारे सबके लिए प्रति काम कर पाए और जो हमें लगे कि हाँ हमारे सपोर्टिव हैं, कि जो हमारा काम सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक कर पाए, उन्हीं को हम चूज करेंगे। मेरा फर्स्ट टाइम है अभी वोटिंग का, तो मैम मैं उसी सरकार को वोट दूंगा जो मैम युवाओं को रोजगार दे। हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड है इनसे, इन्होंने 5 साल में जो काम किए हैं शायद पिछली सरकार ने पिछले बार नहीं कर पाते पूरे 60 सालों में। मैं पूरा सपोर्टिव हूँ इस बार इस सरकार की। ये सरकार ने जो काम करके दिखाया वो अभी तक 4 सालों में जो हमें पता चल रहा है वो हमें 60 वर्षों में नहीं दिखा है। तो 4 सालों में हमें जो हर चीज़ का हर स्वच्छता के लेके हर फील्ड में उन्होंने काम किया। मैं अपना वोट नहीं बदलना चाहूँगी क्योंकि सरकार का मेन काम होता है डेवलपमेंट करना और डेवलपमेंट एमपी में दिख रहा है, तो मैं अपना वोट चेंज नहीं करूँगी।